तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में होने वाले फर्स्ट T20 मैच का। तो अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखो कि दोनों टीमों का जो है तो आपको दो जो है वो T20 मैचेस देखने को मिलेगा कि जो कि खेले जाएंगे दोनों के बीच में। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा तीन जो है ODI मैचेस थे जो कि चट्टोग्राम पे जो है वो खेला जा रहा था, जिनमें से बांग्लादेश जो है वो 2-1 से जो है वो ODI सीरीज जीत लिया है। लेकिन जाते जाते जो है अफगानिस्तान ने एक बहुत ही टहलका जो है वो मचाया है और यहाँ पर अफगानिस्तान ने लास्ट मैच जो है वो जीत लिया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीता। अब यहाँ पर अगर T20 की मैचेज की बात करें तो अगर दोनों टीमों का हमेशा T20 मैचेज हुआ है तो आप देखोगे कि टोटल 6 मैचों में से जो है वो 4 मैचेज जो है अफगानिस्तान जीता है और 2 जो है बांग्लादेश जीता है। यानी कि T20 मैच जब होता है तो बहुत ही टक्कर का जो है मुकाबला दोनों देशों के बीच में जो है वो देखने को मिलता है। तो ये मुकाबला जो है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। और बाकी मैच जो है जैसे जो टेस्ट मैचेज स्टार्ट होंगे, इंडिया और श्रीलंका का 4 तारीख से स्टार्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो है वो 4 तारीख से स्टार्ट होगा। तो T20 मैचेज जो है ये 2 है जो 3 को है और 4-5 को है, जहाँ पर आप एक बढ़िया सा प्रॉफिट बना सकते हो और इसको जो है इंजॉय कर सकते हो। और ये मैचेज जो है आपको 2:30 बजे से देखने को मिलेगा, 3 तारीख को और 5 तारीख को, ये 2 मैचेज जो है वो देखने को मिलेंगे। अब हम भी यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या बदलाव हो सकता है, कौन कौन टीम के साथ जो है खेलेगी, पिच रिपोर्ट कैसा होगा। तो उसके लिए जो है आप वीडियो के लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना अगर पसंद आए को तो। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, एक बढ़िया सा प्रॉफिट आप नहीं बनाया होगा, पता होगा कि PSL में जो है आपको देखने को मिला कि टोटल 34 मैचों में से जो है 29 मैचों में जो है बढ़िया सा प्रॉफिट जो है वो दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं तो आप देखोगे कि ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, बढ़िया सा प्रॉफिट बना सकते हो। और साथ में कॉल पर सर्च करके आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, यहाँ पर जो आपको सारे डिटेल्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और ये चीज़ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ से जो है आप एक बढ़िया सा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैच जिसको, तो आप देखोगे कि ये जो है फर्स्ट T20 मैच होगा, यानी कि खेला जाएगा थर्सडे को 3 मार्च को। टाइमिंग जो होगा होगा 2:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से, हम PM की बात कर रहे हैं। और ये खेला जाएगा आपको शेरे बंगला स्टेडियम ढाका में जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ के अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो आपको देखने मिलेगा कि ढाका का पिच रिपोर्ट देखोगे तो जनरली जो है एक एवरेज बैटिंग ग्राउंड पिच की तरह जो है बिहेव किया जाएगा। और ये चीज़ें जो है बांग्लादेश के लिए, खासकर अफगानिस्तान से खेलना बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि हमने देखा कि जो भी यहाँ पर सीरीज हो रहा था, जैसे ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड आया, तो बांग्लादेश ने बहुत ही बुरी तरीके से जो है हराया, और वो भी अपने स्पिनर की मदद से, स्पिनर फ्रेंडली जो है पिच बनाया। लेकिन आपको पता ही होगा कि जो अफगानिस्तान कंट्री है, अफगानिस्तान जो है वो स्पिनर का भरमार है, और अगर उनको भनक भी लगता है कि बांग्लादेश जो है वो स्पिनर फ्रेंडली पिच बनवाएगा तो उससे क्या होगा कि वो 3 की जगह 4-4 स्पिनर जो है आप देखोगे तो लेके खेल सकते हैं। जैसे उनके स्क्वाड में देखोगे तो 4-4 स्पिनर जो है वो अवेलेबल है, जैसे कि नाबी जो है वो कैप्टन है तो अवेलेबल नहीं है, राशिद खान है, इसके अलावा जो है आप देखोगे मुजीबुर रहमान है, क्वासी अहमद है, तो 4-4 स्पिनर जो है वो अवेलेबल है। और ये बहुत ही खतरनाक मैच जो है आपको बांग्लादेश के लिहाज से होने वाला है कि बांग्लादेश न्यूट्रल पिच बनवाएगा या स्पिनर फ्रेंडली बनवाएगा या फास्टर फ्रेंडली बनवाएगा, उन सब में जो है अफगानिस्तान मात दे सकता है बांग्लादेश को। और ये चीज़ें जो है, यही मैं आपको कह रहा था कि एक बहुत बढ़िया जो है इंटरेस्टिंग मैचेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं इस पिच के थोड़ा बहुत और, तो आप देखोगे रिसेंट यहाँ जो भी मैचेज हुआ था तो वहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो देखने को मिल रहा था ग्राउंड में। हालांकि पाकिस्तान जाके जो है यहाँ पे थोड़ा सा रन बनाया था, लेकिन उससे पहले जो भी यहाँ पे सीरीज हुआ थी यहाँ पे रन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और टोटल यहाँ पे 57 मैचों में से देखोगे तो आपको जो है 28 फर्स्ट बैच जीता है, 29 सेकेंड बैच जीता है, और फर्स्ट बैट एवरेज जो है आपको 145 है, जो कि एक बिलो एवरेज जो है आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे ग्राउंड पर जहाँ पर बाउंड्री भी छोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको जो एवरेज स्कोरिंग एरिया है वो आपको इतना कम देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली जो है वो अब बदल गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है वो बहुत बढ़िया जो है बैटिंग ग्राउंड पिच हुआ करता था। अब हम बात करते हैं इसके अलावा, तो आप देखोगे कि स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है टोटल 34 मैचेज जो है वो 150 से नीचे हुआ है, 150 से 70 के बीच में आप देखोगे तो 9 स्कोर, 170 से 90 के बीच में देखोगे तो 5 स्कोर, और 190 से ऊपर आप देखोगे तो आपको 9 स्कोर जो है वो देखने को मिलेगा। वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं, टेम्परेचर जो है आपको यहाँ से 25 से 30 डिग्री के आसपास देखने को मिलेगा, 22% से 10% के आसपास, यानी मैच आपको पूरा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम टॉस जीतने की बात करते हैं तो बांग्लादेश से ज़्यादा चांसेस है कि टॉस जीत के जो है पहले बैटिंग करना पसंद करेगा, जिस तरह का ग्राउंड है उसके हिसाब से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टीम न्यूज़ का, तब देखोगे बांग्लादेश की तरफ से महमूदुल्लाह जो है लीड करेंगे। टोटल 14 मेंबर का स्क्वाड जो इनका जो है अनाउंस किया गया, तो छोटा स्क्वाड है लेकिन काफ़ी अच्छा स्क्वाड है अगर डोमेस्टिक मैचों के हिसाब से देखोगे तो। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान को आप देखोगे तो आपको जो है मोहम्मद नाबी लीड करेंगे और 16 मेंबर का स्क्वाड जो है वो रेडी है इस मैच के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 का, तो ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है जिसमें से जो है ज़्यादातर चांसेस है कि यही टीमें जो है वो रहने वाली है। जैसे आप देखोगे तो यासिर अली और मोहम्मद नैम में से कोई एक जो है वो रहेगा, इसके अलावा महमूदुल्लाह
साकिबुल हसन, इसके अलावा एफ एफ हुसैन, महमद मेहदी हसन, इसके अलावा लीटन दास, मुस्तफ़ी रहीम, मुस्तफ़ी रहमान, इसके अलावा टस्किन अहमद, सुरसुल इस्लाम और नसुम अहमद जो है आपको देखने को मिलेंगे प्लेइंग 11 में। और इसमें से अगर हम कीपर की बात करें तो आप देखोगे लीटन दास का परफॉर्मेंस जो अभी ओडीआई में काफ़ी अच्छा था, तो ज़्यादातर चांसेस उनको रखा जाएगा टीम में। इसके अलावा मोहम्मदुल्लाह का परफॉर्मेंस भी जो है ठीक है, साकिब का परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन उन पर विश्वास नहीं कर सकते, बॉलिंग के लिए यहाँ से चल सकता है बढ़िया सा। इसके अलावा एफ एफ हुसैन का परफॉर्मेंस भी है ठीक है, मेहदी हसन को भी है पिक चल सकते हो बॉलिंग के लिहाज से। और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मुस्तफिजी जो है रही रहमान का जो है बॉलिंग काफ़ी अच्छा है, इसके अलावा तस्कीन अहमद को भी आप पिकअप चल सकते हो और साथ में मुस्तफिजी रहीम को जो है आप लेके चल सकते हो, मिडिल ऑर्डर में आते हैं और एक बढ़िया से जो है बैटिंग देखने को मिल जाता है इनका। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ से, तो अफगानिस्तान की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है हजरतुल्ला जजाई, इसके अलावा जो है आपको नबुल्ला जॉर्डन, उस्मान घानी, इसके अलावा मोहम्मद नाबी, इसके अलावा जो आपको नजमत मसूद और सफद्दीन अशरफ को जो है आप पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे अशरफ जजाई, इसके अलावा जो है रमनुल्ला गुरबाज, इसके अलावा जो है आपको देखो फजल फारूकी, करीम जन्नत, मुजीबुर रहमान और राशिद खान जो है ये प्लेइंग 11 में रहने वाले। और यहाँ पे की प्लेयर की बात करें तो आप देखोगे मुजीबुर रहमान जो है पावर प्ले में बॉलिंग करने आते हैं तो विकेट लेने का ज़्यादा चांसेस इनका रहता है। इसके अलावा राशिद खान विकेटिंग की गेंदबाजी तो आप इनको पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा बैटिंग की बात करते हैं तो अगर देखोगे तो यहाँ पे तीन रेस की जो है वो बल्लेबाज लेके खेलता है, जैसे अफगानिस्तान हजरतुल्ला जजाई, इसके अलावा नबुल्ला जॉर्डन और यहाँ पर जो है रमनुल्ला गुरबाज को जो है पिक करके चल सकते हो। ये जो है तीनों रिस्की गेंदबाज हैं, बैट्समैन हैं और काफ़ी जो है वो अच्छे हैं, अगर चलते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है रन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पिक करके चलना चाहो तो हजरतुल्ला जजाई को जो है रिस्क लेकर चल सकते हो। इसके अलावा नाबी को जो है आप लेके चल सकते हो बैटिंग के लिहाज से, बॉलिंग में जो है आजकल उतना खास जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन बैटिंग के लिए से पिक करके चल सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं इनका रिसेंट परफॉर्मेंस को देखो, बांग्लादेश जो है रिसेंट 5 मैचों में से 5 के पास हारा है और अफगानिस्तान देखोगे तो रिसेंट 5 मैचों में से 2 जीता है और 3 जो है वो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे हारा है। हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों टीमें जो अभी तक 6 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें से आप देखोगे तो 2 जो है वो सिर्फ बांग्लादेश जीता है और 4 जो है वो अफगानिस्तान जीता है। और यही मैच आपसे कह रहा था कि बांग्लादेश जो है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है अफगानिस्तान के सामने, और इसका जो है मेन रीज़न जाता है इनके स्पिनर को, जो कि अफगानिस्तान के पास बहुत ही तगड़ी जो है वो स्पिन क्वालिटी है। अगर इनके पास बैटिंग क्वालिटी होता थोड़ा सा अच्छा तो ये जो है किसी भी टीम को जो है मात देने में सफल हो जाते। अब यहाँ बात करते हैं टीम लेवल टीम, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो, साथ में आप कॉल पर डिस्कस करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और एक बढ़िया सा प्रॉफिट बनाने की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो आईपीएल से पहले। चलो ड्रीम इलेवन टीम देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है करते हैं वीडियो को एंड। यहाँ पे बात करते हैं हम ड्रीम इलेवन टीम का, तो सबसे पहले जो है आपको देखना है यहाँ पे विकेट कीपर डिपार्टमेंट में किसको जो आपको पिक करना है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा भरोसा जो आप लीटन दास पे कर सकते हो, रहीम पे कर सकते हो, गुरबाज को आप चाहो तो कर सकते हो या हजरतुल्ला जजाई को आप कर चल सकते हो। बहुत सारे लोग देखो आप रमनुल्ला गुरबाज को जो है पिक चले हैं, हजरतुल्ला जजाई अगर रहेंगे तो जरूर पिक करें लेकिन बैट्समैन के डिपार्टमेंट में। आप यहाँ पर बात करते हैं तो आप देख लो नबुल्ला जॉर्डन को जो है आप चाहो तो पिक कर सकते, लेकिन अभी के लिए मैं हजरतुल्ला जजाई को जो है पिक चलूँगा। इसके अलावा उस्मान घानी को आप चाहो तो पिक कर सकते हो, इसके अलावा एफ हुसैन को जो है मैं पिक चलूँगा, यासिर अली को जो है चाहूँ तो पिक करके चल सकते हो या नईम शेख को, तो दोनों में से जो कोई एक आपके पास प्रीफर ऑप्शन रहेगा जिसे हम बाद में देखेंगे। ऑलराउंडर में हम नाबी को लेते हैं, इसके अलावा जो है साकिबुल हसन को लेते हैं, मोहम्मदुल्लाह को लेते हैं, आप करीम जन्नत को चाहो तो पिक कर सकते हो क्योंकि अच्छा जो है परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में जो हम रहमान को लेते हैं, राशिद को लेते हैं, मुजीब को लेते हैं और इसके अलावा जब टस्किन अहमद को चाहो तो पिक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो है आपको दूसरा टीम की पिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, यासिर अली को जो है पिक कर लेते हैं, तो बांग्लादेश से जो हमने ले लिया है 7, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ से हटा के किसी एक को जो है आप पिक कर चल सकते हो जहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाए थोड़ा सा कम जो है वो पॉइंट में हो जाएगा, जैसे आपको जो है यहाँ पे पिक कर सकते हो आसिफ अली को छोड़ के हरतिल्ला जजाई को, और इसके अलावा जो है आप यहाँ से कम कर सकते हो ताकि जो है आपको बैलेंस टीम में जो है वो देखने को मिल जाए, जैसे मोहम्मदुल्लाह को जो हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं, करीम जनात को ले लेते हैं और उसके अलावा जो है हम लोग यहाँ पे एक जो है आप उस्मान घानी को पिक कर सकते हो या फिर जो है आप यहाँ पे आसिर अली को पिक करके जो है वो चल सकते हो, एफ हुसैन को जो हमने ले लिया। हम देख लेते हैं इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में आप देखोगे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो है आपको बैटिंग के लिहाज से अगर पिक करना चाहो तो लीटन दास को ले चल सकते हो अगर प्लेइंग 11 में रहेंगे तो, और इसलिए क्योंकि ओडीआई में परफॉर्मेंस अभी अच्छा देखने को मिला है तो उस परफॉर्मेंस को जो है बरकरार रखना जरूर चाहेंगे। और या फिर इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आप देखोगे बहुत सारे लोग जो है आपको साकिबुल हसन को जो है बना के जाएंगे, तो अभी बना के चल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं प्रीफर करूँगा कि राशिद खान को जो है वाइस कैप्टन जो है के तौर पर जो है बना के चला जाए, और कैप्टन के तौर पर आप नाबी को चाहो तो बना सकते हो, साकिब को बना सकते हो, इसके अलावा जो है आप करीम जन्नत को चाहो तो भी बना सकते हो, लीटन दास को भी चाहो तो आप बना के चल सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं नाबी को जो है प्रीफर करूँगा जिस तरह का ग्राउंड है उसके हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हो आप टीम पे भी, और इस टीम के साथ जो है अप टू 7 मेंबर खेल सकते हो। इसके अलावा आपको और भी टीमें चाहिए, जीएस रिलेटेड किसी भी तरह की टीमें चाहिए, चाहे प्राइम टीमें चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आपको सारी डिटेल जो है मिल जाते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।